नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट भी विवादों में आ चुका है। टेस्ट के पहले दिन दो भारतीय खिलाड़ियों पर अभद्र और नस्लीय टिप्पणी एक बार फिर से देखने को मिल गई। ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर को दर्शकों ने एक बार फिर से कीड़ा तक कह डाला। पिछले छह दिनों में यह तीसरी बार है जब भारतीय खिलाड़ियों पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। इससे पहले सिडनी टेस्ट के तीसरे और चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने मोहम्मद सिराज को मंकी और डॉग कहा था। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के ने एक दर्शक किट के हवाले से रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो घटना के वक्त मोहम्मद सिराज और सुंदर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, जब उनके पीछे बैठे दर्शकों ने दोनों को कीड़ा कहकर बुला रहे थे। दर्शक उन्हें कीड़ा कीड़ा कह रहे थे। किट ने कहा कि यह बिल्कुल सिडनी जैसा मामला था। दर्शकों ने पहले तो गाना शुरू किया और फिर मोहम्मद सिराज से उनकी तरफ घूमने के लिए कहा। इसके बाद वो बदतमीजी करने लगे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के पत्रकार सैम फिलिप्स ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और उन्होंने कैप्शन में लिखा है, गाबा में दर्शकों ने एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार मोहम्मद सिराज पर अभद्र टिप्पणी की है। सिडनी में विवाद के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि सीए ने टीम इंडिया से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि नस्लीय टिप्पणी को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब इस तरह की घटना यहाँ नहीं होती, हम इस प्रकार की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और मामले पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। इसके बावजूद देखा गया लगातार दूसरे टेस्ट में नस्लीय टिप्पणी का मामला सामने आया और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी यानी कि आईसीसी ने भी सिडनी वाले घटना की कड़ी निंदा की थी। वाशिंगटन सुंदर को डेब्यू टेस्ट में अपशब्द का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन सुंदर का सबसे अलग बात यह है कि उनका ये पहला मैच था, वो डेब्यू कर रहे थे। अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलियाई जो दर्शक हैं उनके साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दिया और उन्हें सामना करना पड़ा। वहीं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में सिराज भारतीय पेस बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं। इससे पहले सिडनी टेस्ट के तीसरे यानी कि 9 जनवरी और उसके अगले दिन 10 जनवरी को मोहम्मद सिराज के खिलाफ अभद्र और नस्लीय टिप्पणी देखने को मिली थी। बाउंड्री के करीब बैठे दर्शकों की एक टोली लगातार मोहम्मद सिराज को ब्राउन मंकी और बिग डॉग बोल रही थी। मोहम्मद सिराज ने इसकी शिकायत फील्ड अंपायर पॉल रॉफेल से की थी। इसके बाद मैच को कुछ देर के लिए रोका भी गया था। पुलिस ने 6 दर्शकों को स्टेडियम से बाहर भी निकाला था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि अब आगे से टीम इंडिया के जो प्लेयर हैं उनके साथ इस तरह की बदसलूकी, नस्लीय टिप्पणी, बदतमीजी नहीं की जाएगी। लेकिन जब गाबा में मैच चल रहा है, ब्रिस्बेन के गाबा में भी देखने को मिला कि वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से उन्हें कीड़ा कहा गया, मोहम्मद सिराज को भी कीड़ा कहा गया। इससे पहले जब ब्राउन डॉग या फिर मंकी कहा गया था तो लोग याद कर रहे थे कि एक ज़माना था तो मंकी गेट के नाम से ये प्रकरण बहुत तेज़ी से उछला था। लेकिन जिस तरह से चाहे क्रिकेट का स्तर हम बात कर लें, क्रिकेट का स्तर गिरता हुआ जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब ये ज़रूर कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक इन हरकतों से बाज तो नहीं आने वाले हैं। पूरे देश में हंगामा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच चल रहा है वहाँ पे ना जाने की सलाह दी जा रही थी, एक कैंपेन चलाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से माफ़ी मांगी थी और साथ ही कहा था कि हम सभी लोगों पर कार्रवाई करेंगे जितने भी लोग थे उस समय नस्लीय टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था, ऐसी अनुमान भी ऐसा लगाया जा रहा था कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कीड़ा कहा गया एक बार फिर से मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर को, उससे एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों पर कई सवाल या निशान खड़े होते हैं। साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि सीए पर भी कई सवाल या निशान खड़े होते हैं। क्या दर्शकों के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का, ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन का या फिर जो भी स्टेडियम के अंदर थे उनका कंट्रोल नहीं है, उनका डर नहीं है? सेम वही सिचुएशन कि ऑस्ट्रेलिया में दर्शक जो हैं इस तरह से अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो क्या वहाँ के प्रशासन का उन्हें खौफ नहीं है? क्या दूसरे देश के नागरिकों का या दूसरे देश के खिलाड़ियों का या फिर जिस तरह से हमारे देश के अंदर कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, तो वहाँ पर टीम इंडिया इस समय मैच खेलने गई है, आखिरी मैच चल रहा है, इस सीरीज का आखिरी मैच चल रहा है
और अतिथि देवो भव तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर लगातार हमारे प्लेयरों के साथ इसी तरह की बदतमीजियाँ की जा रही हैं। ये बदतमीजियाँ कहाँ तक जायज़ हैं, कहाँ तक सही हैं, इसका जवाब आप दर्शक हैं आप दीजिए, और ऑस्ट्रेलिया के इन दर्शकों का जवाब किस तरह से देना चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़। शुक्रिया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।